need to tell you something. I really, 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 really like you. I want you. Do you want me? Do you want me too? हेलो गाइस, वेलकम टू द एजी मीडिया न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कैप्टन मार्वल के ऑफिशियली स्कल्स के फर्स्ट लुक के बारे में। स्कल्स एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में फेज 4 में आगे तक का फ्यूचर है। जी हाँ, इसे आप सीक्रेट इन्वेंशन कह सकते हो जो कि एमसीयू फेज 4 में काफी बदलाव लाएगा। और दिन स्कल्स के काफी सारे फर्स्ट लुक लॉन्च हुए जो कि हमें ह्यूमन फॉर्म में भी देखे और स्कल्स फॉर्म में भी देखे, बट हमें इतनी ज्यादा डिटेल पता नहीं चल पाई, तो मैं आप इन सभी को एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस इमेज के बारे में। तो बीच में जो बंदा खड़ा हुआ है वो है बेन, इनका जो नेम है ऑफिशियली, और देन ये रोल प्ले कर रहे हैं स्कल्स के लीडर का। जी हाँ, आपने जो स्कल्स की सबसे पहली वाली इमेज देखी थी उसमें जो सबसे पहले आगे जो बंदा खड़ा हुआ था वो स्कल्स का लीडर था, और जो ह्यूमन फॉर्म में जैसा बंदा जो दिखता है वो है बेन। तो बेन एक स्कल्स का रोल प्ले कर रहे हैं और ह्यूमन फॉर्म में ये कुछ इस तरीके से देखेंगे जो कि आपने सेकंड इमेज देखी थी, और देन ये कैरेक्टर काफी अच्छा है। और देन अगर आप उसे स्कल्स फॉर्म में देखना चाहोगे तो वो कुछ इस तरीके से देखेगा जो कि आप रिसेंट में देखने वाले हो, और ये कॉमिक बुक से बिल्कुल मिलता जुलता है कैरेक्टर। और देन मार्वल स्टूडियो ने काफी अच्छी तरीके से ग्राफिक का यूज करा है, और देन कॉस्ट्यूम भी काफी अच्छा है। और देन अगर ह्यूमन फॉर्म में बात करी जाए तो ये कुछ इस तरीके से देखेंगे। अब इस कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका कैरेक्टर का नेम तो पता चला नहीं है कि ये ह्यूमन फॉर्म में किसका रोल प्ले कर रहे हैं, बट स्कल्स किसी की भी कॉपी कर सकते हैं ये आपको पता है। तो शायद जो कैरेक्टर बेन ने ह्यूमन फॉर्म में करा है ये कोई नेता या राष्ट्रपति या कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है, और देन स्कल्स ने इनकी कॉपी कर ली होगी क्योंकि शायद शील्ड उनकी बात मानता होगा या वो शील्ड का कोई अधिकारी भी हो सकता है। और देन उसके बाद गीमा चैन सबसे बड़ी मोस्ट ऑफ दी विलेन, क्योंकि स्कल्स के लीडर के बाद इनका नाम आता है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देन सबसे बड़ा सवाल आता है, काफी फैंस ने बोला कि निक फ्यूरी भी इस मूवी में स्कल्स का रोल कर रहे हैं, क्या आपको लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देन मुझे लग रहा है कि हाँ, स्कल्स ने इनकी भी कॉपी करी होगी। और देन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्कल्स से लड़ने वाला सिर्फ एक ही बंदा होगा, कैप्टन मार्वल, और कोई भी नहीं होगा। तो इतने सारे स्कल्स को सिर्फ कैप्टन मार्वल ही हराएगी, ये है मूवी का प्लॉट। तो और भी डिटेल जानने के लिए मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा मूवी के प्लॉट के ऊपर। तो गाइस, आप देखते रहिए मेरी वीडियोस को। और देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे या तो उस पे रेड एल के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।